नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के एमपी डेली करंट अफेयर्स एमपी जीके के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे 25 दिसंबर 2018 का मध्य प्रदेश प्रतिदिन समसमय की सामान्य ज्ञान का डेली वीडियो। इस वीडियो के लास्ट में हमारे द्वारा एक मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर कमेंट करके जरूर दिया करें दोस्तों। दोस्तों हम इस एमपी डेली करंट अफेयर्स एमपी जीके की वीडियो में दो भाग शामिल करते हैं, एक मध्य प्रदेश प्रतिदिन करंट अफेयर्स का और दूसरा भाग एमपी जीके का। दोस्तों इस वीडियो से आप वर्तमान समय में 40% तक मध्य प्रदेश के एग्जाम में अंक हासिल कर सकते हैं, जैसे कि एमपीपीएससी में 100 का प्री एग्जाम में 100 का अंक का होता है, आप उसमें 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं, अदर एग्जाम में 12 से 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम 25 दिसंबर 2018 के अंतर्गत मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का पेस्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की किस हस्ती को प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2018 प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश की हस्ती बीके डॉक्टर रीना वहन, जी हाँ, इसका नाम है डॉक्टर रीना बहन, जिसे प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2018 प्रदान किया गया है। यह प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए प्रदान किया जाता है, जिसे डॉक्टर रीना बहन को प्रदान किया गया है। डॉक्टर बहन जो है वो ब्रह्मा कुमारी केंद्र गुलमोहर भोपाल की संचालिका हैं, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक जारी किया है? जी हाँ, स्मारक सिक्का जारी किया है। यह जो सिक्का जारी किया है वह 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है दोस्तों, स्मारक सिक्का। और यह सिक्का जो है वो 35 ग्राम का होगा दोस्तों। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था दोस्तों। प्रियंका वैस, जिसने ऑल इंडिया वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2018 में मिस इंडिया का खिताब जीतकर 2 गोल्ड जीते, वह कहां की रहने वाली हैं? जी हां, ये हैं प्रियंका वैस। इन्होंने ऑल इंडिया वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ये इंडिया खिताब जीता है, मिस इंडिया खिताब जीता है और 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। यह भोपाल की रहने वाली हैं दोस्तों। और भोपाल की प्रियंका बैस ने लुधियाना में आयोजित ऑल इंडिया वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2018 में मिस इंडिया का 2 गोल्ड जीते, बॉडी बिल्डिंग के साथ 2रा गोल्ड फिजिक में जीता। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा प्रियंका ने अक्टूबर 2018 में भोपाल में आयोजित नेशनल स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप भी जीती थी दोस्तों। मध्य प्रदेश में आनंद उत्सव 2019 कब से कब तक मनाया जाएगा? जी हाँ, यह उत्सव 14 से 21 जनवरी तक मनाया जा रहा है, 14 से 21 जनवरी 2019 तक मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण शहर में आनंद उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। ज्ञातव्य है कि हमारे मध्य प्रदेश में आनंदम जो है वो मंत्रालय की स्थापना की गई है और जिला स्तरीय आनंदोत्सव की जो आयोजित किया जाएगा वह 21 जनवरी 2019 के बाद आयोजित किया जाएगा दोस्तों। बजरंगगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? जी हाँ, बजरंगगढ़ महोत्सव का आयोजन जो किया जाता है वह गुना जिले में किया जाता है और गुना जिले में यह बजरंगगढ़ महोत्सव का आयोजन गुना जिले के धार्मिक स्थल बजरंगगढ़ किले में 13 से 15 जनवरी 2019 तक आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 3 दिवसीय आयोजन है और यह जो बजरंगगढ़ का किला है वह गुना आरो रोड पर स्थित बजरंगगढ़ किला गुना से 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बना है। इसे मराठा शासकों द्वारा 1775 ईस्वी में बनवाया गया था। इस किले के परिसर में तोपखाना, रंग महल, मोती महल भी हैं। मध्य प्रदेश की निवासी किस अभिनेत्री को चतुर्थ राष्ट्रीय युवा रत्न अवार्ड 2018 मिला है? जी हाँ, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की किस अभिनेत्री ने राष्ट्रीय युवा रत्न अवार्ड 2018 जीता है? ये प्रिया तिवारी ने जीता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 4था राष्ट्रीय युवा रत्न अवार्ड समारोह में उज्जैन रतलाम की रहने वाली प्रिया तिवारी को राष्ट्रीय युवा रत्न अवार्ड 2018 प्रदान किया गया है। प्रिया तिवारी ने वर्ष 2017 में मिस एमपी,
मिस सेंट्रल इंडिया और मिस भारत अर्थ का खिताब जीता था, जबकि वर्ष 2018 में उन्होंने मिस यूनिवर्स सुपर मॉडल का खिताब जीतकर बाबा महाकाल नगरी उज्जैन का गौरव बढ़ाया है। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिया करें, और दोस्तों एमपी के जो एमपी जीके के प्रश्न है वह हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और यदि किसी प्रश्न में कुछ गलती हो जाती है दोस्तों कमेंट उसका जरूर किया करें, क्योंकि आपको जब इतना अनुभव हो जाता है कि यह क्वेश्चन गलत है, कभी कभार मुझसे दोस्तों गलती भी हो जाती है क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूं दोस्तों। तो मुरैना के किस छात्र ने मलेशिया में आयोजित इंटरनेशनल यूनिवर्स प्रतियोगिता में वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 जीती है? ये मुरैना के एक छात्र हैं दोस्तों, रुद्र गुप्ता। जी हाँ, इन्होंने बड़ा कमाल का काम किया है, और मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के रहने वाले 10 वर्ष के कक्षा 5वीं के छात्र रुद्र गुप्ता ने हाल ही में 9 दिसंबर 2018 को मलेशिया में हुई यूनिवर्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता में वर्ल्ड चैंपियन बनकर मध्य प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। ये है रुद्र गुप्ता। पद्माकर स्मृति समारोह 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? जी हाँ, पद्माकर स्मृति समारोह जो है वो सागर में किया जाता है, इसका जो आयोजन किया जाता है पद्माकर स्मृति समारोह का। महाकवि पद्माकर की स्मृति में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी संस्कृति विभाग द्वारा पद्माकर स्मृति समारोह का आयोजन 6 दिसंबर 2018 को उनकी जन्मभूमि सागर में आयोजित हुआ। पद्माकर स्मृति समारोह में पद्माकर और प्रकृति विषय पर व्याख्यान दिए गए। जी हाँ, यह इस विषय पर पद्माकर और प्रकृति पर जो है वो व्याख्यान दिए गए। अभी हाल ही में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी की जयंती पर स्मरण संवाद कहाँ आयोजन किया गया? जी हाँ, अभी हाल ही में पंडित बनारसी दास की जयंती पर स्मरण संवाद टीकमगढ़ में आयोजित किया गया। जी हाँ, और पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी की जयंती पर 24 दिसंबर 2018 को गर्भनाल न्यास में उनकी कर्मस्थली कुंडेश्वर टीकमगढ़ में एक दिवसीय स्मरण संवाद का आयोजन किया गया। जी हाँ, कुंडेश्वर जो बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे भगवान शिव की जो है वो मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और दोस्तों इस मंदिर के बारे में कहा जाता है जो यहाँ की जो शिव की मूर्ति है वो प्रतिवर्ष थोड़ी थोड़ी बढ़ती है दोस्तों। और यह संवाद हिंदी में प्रवासी साहित्य आधुनिक संदर्भ और यथार्थ विषय पर आधारित था। ध्यान दें दोस्तों, ये इस विषय पर आधारित था। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश के निगम मंडलों के नियुक्ति निरस्त कर दी है। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की जो अध्यक्ष सदस्य थे उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। अब इसके अध्यक्ष सचिव और सदस्य नए बनाए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम की भी नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड की भी नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। दोस्तों बात करें हम, और इसके जो नियुक्ति निरस्त की गई है, मध्य प्रदेश शासन ने 24 दिसंबर 2018 को निम्न मंडलों अध्यक्ष सहित सदस्यों की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष थे सूरज सिंह आर, अब इनको हटा दिया गया है, ये बीजेपी से थे। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के अध्यक्ष नारायण कबीरपंथी को भी हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष रामदयाल प्रजापति को भी हटा दिया गया है। इसके सात सदस्यों को भी जो है वो हटा दिया गया है। अब नए सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द ही होगी दोस्तों। भाग दो, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश में प्रथम ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो विद्युत ताप केंद्र की स्थापना हुई थी वह 1953 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, 1953 में। मध्य प्रदेश के किस शहर में डिजिटल भूकंप रिकॉर्ड करने की योजना चल रही है? यह शहर चल रही है जबलपुर में। जी हाँ, जबलपुर में चल रही है। और हम जबलपुर के बारे में फैक्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग तो है वो जबलपुर है। अब जबलपुर संभाग के जिले हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा, जी हाँ जहाँ से कमलनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, और जबलपुर तो है ही, कटनी, जी हाँ कटनी जो है वो जबलपुर संभाग में आता है, मंडला, जी हाँ मंडला, नरसिंहपुर और शिवनी, ये सारे के सारे जो है वो जबलपुर संभाग के जिले हैं। जबलपुर में उच्च न्यायालय तथा राज्य विज्ञान संस्थान है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखें। और यहाँ थल सेना की छावनी के अलावा यहाँ भारतीय आयुध निर्माण योग्य कारखाने तथा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। ध्यान दें, पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो जबलपुर में है। वहीं मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न पुरस्कृत केंद्र जबलपुर में ही
है दोस्तों। तो ये थे जबलपुर से संबंधित फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश में हथकरघा वस्तु एवं परंपरागत हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में हमारे दो ही स्थान हैं जो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं और हथकरघा वस्तु एवं परंपरागत हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं, वह है महेश्वर जो कि खरगोन जिले में है, चंदेरी जो कि अशोकनगर जिले में है। इन दोनों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम देखते हैं, हमने महेश्वरी के बारे में तो कल देखा था, अब हम चंदेरी के बारे में देखते हैं और ये चंदेरी के बारे में सारे फैक्ट हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखें। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी एक छोटा सा लेकिन ऐतिहासिक नगर है। चंदेरी में चंदेरी पुरातत्व संग्रहालय, जागरूषी माँ जागरूषी देवी का मंदिर है और यहाँ पे आपको कौशक महल मिल जाएगा जिसका निर्माण 1445 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी ने बनवाया था इसे। वहीं चंदेरी का किला 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिपाल द्वारा निर्मित यह किला पहाड़ी पर स्थित है। परमेश्वर ताल, जी हाँ, परमेश्वर ताल भी आपको चंदेरी में मिलने वाला है। बुंदेला राजपूतों राजाओं द्वारा बनवाए गए इस ताल के समीप एक मंदिर है। देवगढ़ किला, जी हाँ, देवगढ़ किला चंदेरी से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। ईसागढ़, जी हाँ, यह चंदेरी से लगभग 45 किलोमीटर दूर है जहां कई खूबसूरत मंदिर हैं जो 10वीं शताब्दी की शैली में बनाए गए हैं। यहां एक क्षतिग्रस्त बौद्ध मठ भी देखा जा सकता है ईसागढ़ में। वहीं जामा मस्जिद, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार है दोस्तों, तो जामा मस्जिद भी आपको चंदेरी में मिलने वाली है। बात करें हम सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयां बनाने का संयंत्र मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? जी हां दोस्तों, ये खरगोन में स्थित है, खरगोन में स्थित है कीटनाशक दवाइयां बनाने का संयंत्र और खरगोन जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित है। दोस्तों कल के जो वीडियो में हमारे द्वारा एक गलती हो गई थी कि कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो बड़वानी में स्थित है, जबकि बड़वानी में नहीं है, ये खरगोन में स्थित है और बड़वानी में तो चावल धान अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो दोस्तों हमारी कल के लिए गलती से क्षमा, लेकिन हम दोस्तों जो भी आप हमसे गलती हो जाए करें, आप कमेंट जरूर किया करें, बिल्कुल भी गलत नहीं पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा। कभी कभार दोस्तों कहीं से जो क्वेश्चन लिए जाते हैं तो गलती हो जाती है कहीं कहीं बार, कभी कभी बार दोस्तों। तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? खरगोन में स्थित है दोस्तों, और वहीं चावल धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थित है। मध्य प्रदेश में निम्न में से कैंसर चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, ये कैंसर संस्थान जो स्थित है वह जबलपुर में भी आपको कैंसर चिकित्सा संस्थान मिल जाएगा और इंदौर में भी और ग्वालियर में भी, उपरोक्त तीनों जगह पर कैंसर चिकित्सा संस्थान है। वहीं मानसिक चिकित्सा संस्थान आपको ग्वालियर तथा जबलपुर में स्थित है। और दोस्तों वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जबलपुर में है। ये कुछ संस्थान है जो हमारे द्वारा लिए गए हैं, आप इन्हें ध्यान से देखें। वहीं राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इंदौर में है। जी हाँ, मिनी बॉम्बे इंदौर में है। और वहीं सोयाबीन कारखाना कहाँ पे? उज्जैन। इन दोनों के बीच में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है दोस्तों, वो कई बार गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो ये दोनों चीज आप फैक्ट ध्यान रखें कि सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है और सोयाबीन राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। वहीं न्यूज प्रिंटिंग मिल जो वो नेपानगर में है और मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति का जो आयोग है वो भोपाल में है और मध्य प्रदेश विधि संस्थान जो है वो आपको भोपाल में है दोस्तों। वहीं हम और इंपोर्टेंट जो है वो अनुसंधान देखते हैं। वानिकी अनुसंधान संस्थान आपको छिंदवाड़ा में मिलने वाला है। मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में मिल जाएगा। सैनिक स्कूल रीवा में है दोस्तों। वहीं मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में है। जैविक खाद संयंत्र भोपाल में है। उद्यान महाविद्यालय मंदसौर में है। जी हाँ, एक उद्यान महाविद्यालय है जो कि मंदसौर में है। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? महू में है। विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है? जबलपुर में है। विकलांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में है। वहीं अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? रतलाम में प्रस्तावित है। जी हाँ, अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में प्रस्तावित है। वहीं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस होशंगाबाद में है, ध्यान दें, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस होशंगाबाद में और बैंक नोट प्रेस देवास में। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम और फैक्ट है तो उसके बारे में देखते हैं कि दहन अनुसंधान केंद्र कहां पर प्रस्तावित है? ये अलमाहा जगह पर सीहोर जिले में प्रस्तावित है। वहीं मध्य प्रदेश में कृषि का अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, जी हां, ये भी अलमाहा सीहोर में प्रस्तावित है। गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर जिले में
प्रस्तावित है। दोस्तों ध्यान दें, गन्ना अनुसंधान केंद्र मोहानी नरसिंहपुर जिले में प्रस्तावित है। वही मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में प्रस्तावित है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भोपाल में है। और मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था कहां पे है? इंदौर में है। दोस्तों इंदौर में है, ये आप ध्यान दें। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था कहां पे है? भोपाल में है। और मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था इंदौर में है। वही मध्य केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था कहां पे है? भोपाल में है। और मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी जो विद्यालय है वो कहां पे है? दोबारा देखते हैं दोस्तों, ये कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था कहां पे है? भोपाल में है। वही मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था कहां पे है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था इंदौर में है। तो ये चारों से कंफ्यूजन होता है दोस्तों, और इन्हें आप ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहां पे है? जबलपुर में है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर की जो स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। ये अभी हाल ही में था कि जब हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जबलपुर में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी दोस्तों। 1964 में नेहरू जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जबलपुर में 1964 ईस्वी को हुई थी। वहीं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना कब हुई थी? यह भी जो है वो 2008 में हुई थी। ध्यान दें दोस्तों, 2008 में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2008 में। उसके बाद बात करते हैं हम, मध्य प्रदेश की पहली सेलरिच जैविक खाद संयंत्र की स्थापना कहां पर हुई है? ये जो स्थापना हुई है वह जबलपुर में, सॉरी भोपाल में हुई है। हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई है, ये लिखा भी है। मध्य प्रदेश की पहली सेलरिच जैविक खाद संयंत्र की स्थापना भोपाल में हुई है दोस्तों। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल की स्थापना 1978 में हुई थी। ध्यान दें, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल की स्थापना 1978 को। और संजीवनी संस्थान वन औषधि संस्थान आपको कहां पे मिलने वाला है? भोपाल में मिलने वाला है। संजीवनी संस्थान वन औषधि संस्थान भोपाल में। और भारतीय वन औषधि संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे है? जबलपुर में है। ध्यान दें दोस्तों, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पे है? भोपाल में है। लेकिन भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में स्थित है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है। और उष्णकटिबंधीय वन संस्थान भोपाल में है, इंदौर में दोस्तों। मुझे कई जगह पर, कहीं भोपाल पे लिखा हुआ था, कहीं इंदौर पे। तो दोस्तों आपको एग्जैक्ट पता हो तो इसका कमेंट जरूर दें दोस्तों, आप रिसर्च करें इस पर और आपको आपको आप बताएं कि उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहां पर स्थित है। मध्य प्रदेश की इको पर ध्यान दें, इको पर्यटन भोपाल में कब स्थापित किया गया था? यह जो स्थापित किया गया था वह 2005 में। इको पर्यटन क्षेत्र ये 2005 में स्थापित किया गया था दोस्तों। जल्दी जल्दी में गलती हो रही थी मुझ पर, तो 2005 में मध्य प्रदेश का इको पर्यटन भोपाल में स्थापित किया गया था। अब देखते हैं हम 24 दिसंबर 2018 को जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपके द्वारा बहुत कमेंट किए गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इससे और किसी के गलत भी हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों कमेंट जरूर किया करें। तो अभी हाल ही में इंदौर साहित्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया था? इसके कमेंट में जो आपके आंसर अधिक आंसर मिले हैं वो 21 से 23 दिसंबर 2018 को इसका आयोजन किया गया था, जो कि सही है। और इसे इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल भी बोला जाता है दोस्तों, इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल के हिसाब से मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। और अब देखते हैं हम आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र कब से कब तक आयोजित किया जाएगा दोस्तों। और इसका जो आंसर है आपको कमेंट करके बताना है, और आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और हमारा यह वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों, आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट होती है कि आप लाइक जरूर किया करें दोस्तों, और इससे अच्छे अच्छे और वीडियो भी लेके आऊंगा दोस्तों। और हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।